दुष्कर्मियों को गिरफ्तार करें अन्यथा करेंगे हाईवे जाम। ब्यावर में मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद रोष में जनता, नमो मंच ने मानव श्रृंखला बनाकर किया विरोध प्रदर्शन। शहर के कृषि मंडी चौराहे पर झोपड़ी बनाकर मजदूरी कर रहे खानाबदोश परिवार की 7 वर्षीय बच्ची का शहर के करीब 3 युवकों द्वारा अपहरण कर दुष्कर्म किया गया। यह भयावह घटना से पूरा शहर शर्मसार हुआ है। इस दुष्कर्म के विरोध में रविवार को नरेंद्र मोदी विचार मंच ब्यावर के पदाधिकारियों ने नगर अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में स्थानीय गांधी सर्कल पर विरोध प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन से दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने में 25 दिनों के भीतर फांसी पर लटकाने की मांग की। देहात जिला अध्यक्ष नंदू कोठारी व राष्ट्रीय करणी सेना के उपाध्यक्ष राहुल कोठारी ने कहा कि यदि दुष्कर्म दोषियों को 48 घंटे में गिरफ्तार नहीं किया गया तो पदाधिकारियों द्वारा नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान पदाधिकारियों ने फांसी के प्रतीक मंत्र फंदों को लहराते हुए बलात्कारियों को जल्दी फांसी दो के नारे भी लगाए। 3 दिन पूर्व एक घिनौनी घटना घटी है जिसे मैं मानता हूँ कि पूरा ब्यावर शहर ही नहीं पूरा राजस्थान शर्मिंदा हुआ है। एक 7 वर्षीय बच्ची को डेरे से उठाकर 3 बलात्कारी उठाकर ले जाते हैं और एक संदिग्ध जगह पर बलात्कार करते हैं। ऐसी घटना ने पूरे भारत में पूरे शहर को, हमारे इस ब्यावर शहर को जो एक धार्मिक नगरी है उसको बदनाम किया है। मैं पुलिस प्रशासन से, नरेंद्र मोदी विचार मंच के माध्यम से प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि इन अपराधियों को 24 घंटे 48 घंटे में तुरंत गिरफ्तार करें और सामान्य न्यायालय से, हमारा मोदी मंच के माध्यम से, कंडी सेना के माध्यम से निवेदन है कि इन अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले ताकि ये शहर राजस्थान और भारत में ये संदेश जाए कि नाबालिग बेटी देवतुल्य बेटियों के साथ जो यह घिनौना अपराध हो रहा है इन पर अंकुश लगेगा। मैं एक बार पुनः सामान्य आदरणीय न्यायालय से और प्रशासन से मांग करता हूँ कि 15 से 25 दिन के अंदर इन अपराधियों को फांसी मिले ताकि ये संकेत जाए पूरे देश में कि इन अपराधियों को कतई भी प्रशासन द्वारा बख्शा नहीं जाएगा। मैं एक बार पुनः पुलिस प्रशासन को आगाह करना, नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बड़ी शर्म की बात है, हमारे ब्यावर के नौजवान बच्चे सब बहन बेटी की रक्षा के लिए हैं। हमारे मोदी जी ने इतना अच्छा कार्य किया है, क्या हम लोग उनसे सीख नहीं सकते? मैं ये चाहती हूँ कि मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सबसे बड़ी फांसी की सजा, ताकि आगे से कोई भी मुजरिम ऐसी गलती ना कर सके।